बोलो गुरुदेव भगवान जी। और समय क्योंकि आपके लिए भी जी, परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी महापुरुषों को से भी मैं आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं कि उम्र में काफ़ी हमारे संत महापुरुष हमसे बड़े हैं, तो समृद्धि कैसे बढ़ेगी? जब अंदर का इन्वायरमेंट शुद्ध होगा तब जी, जब अंदर का इन्वायरमेंट ही शुद्ध नहीं होगा तो समृद्धि होते हुए भी वो व्यक्ति दलिद्र के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो सर्वप्रथम मनुष्य को, सभी को अपने अंदर का इन्वायरमेंट शुद्धिकरण करना चाहिए। भगवान राम अद्भुत हैं, वह विश्वास करने की चीज है, जो विश्वास किया वो पाया, जो विश्वास नहीं किया वो नहीं पाया। शिव जी विष पिए तो विषैले हो गए, नीलकंठ हो गए। वही मीरा जी ने विश्वास किया, विष पिया तो वो अमृत हो गया। तो भगवान पर ही जो व्यक्ति विश्वास करता है तो समस्त जगत ही उसका, सभी प्राणी जो है उसको मान सम्मान देते हैं। और जो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो आए उसे भी सम्मान मिले और जो न आए उसे भी सम्मान मिले। सम्मान के सब भूखे हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष के लोग विरोध कर रहे हैं, न कि कोई भगवान का विरोध कर रहा है। और यह तो इतना सुंदर अयोध्या इस समय सजी हुई है, सभी जात संप्रदाय के लोग टीवी नेटवर्क 10 के माध्यम से यहाँ उपस्थित हुए, सभी धर्माचार्य उपस्थित हुए। हम सभी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि 22 तारीख को जैसे दीपावली की तरह आश्रमों को सजाया जाए, अपने घरों को लोग सजाएं, उस दिन वृक्षारोपण करने का भी संकल्प लिया जाए, पर्यावरण को भी बचाया जाए। नहीं तो भगवान, जहाँ पर्यावरण दूषित रहेगा वहाँ भगवान नहीं रहेंगे। तो सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम, यज्ञ ही जीवन है, जीवनी यज्ञ है, समय कम है। संजय बाबू को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।